हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तुषार टेक्निकल 77 पे। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से गवर्नमेंट वैकेंसीज लॉन्च हो चुकी है। दोस्तों, दो पोस्ट पर वैकेंसी लॉन्च हुई हैं। आज की वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहाँ पे भरना है। और दोस्तों, इसमें दो पोस्ट पर वैकेंसी लॉन्च हुई है। एक जेई जूनियर इंजीनियर, जिसमें बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, एक यहाँ पर एसएससी सीनियर सेक्शन मैनेजर, यहाँ पर पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एमटेक या बीटेक होना अनिवार्य है, ठीक है। दो पोस्टों पर वैकेंसी लॉन्च हुई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको फॉर्म भरना है, अप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, कितनी एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको फर्स्ट क्या करना है, आपको दोस्तों लिंक्डइन पे जाना है। मैं आपको यहाँ पे एक लिंक्डइन पे दिखा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पे आप देख लीजिए। यहाँ पे ये देवेश्री जी है, इन्होंने एचआर है, रिक्रूटर, इन्होंने ये जॉब पोस्ट की है। दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये जो रेलवे से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है। तो इनका नाम देख लीजिए, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर इनकी कंपनी का नाम है। दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, यह काफ़ी सारी वैकेंसी इन्होंने लॉन्च की है। यहाँ पे ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, गुजरात में वैकेंसी है ये। यहाँ पे देख लीजिए, सीनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे क्वालिटी कास्टिंग यार्ड साइट इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एमपी इंजीनियर सीवियल मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड बिलिंग इंजीनियर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग इंजीनियर सेफ्टी इंजीनियर, काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पे लॉन्च की हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा एंड बीटेक कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लोकेशन मैंने आपको बताया, गुजरात के मुंबई लोकेशन रहने वाली है। एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर आप बीटेक है तो आपके पास 1 से लेकर 20 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर है फिर भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन आप फ्रेशर है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इन्होंने यहाँ पे 3 मेल आईडी दे रखी है, ठीक है, 3 मेल आईडी यहाँ पे दे रखी है। इन तीनों मेल आईडी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। इनकी मेल आईडी पे आपको मेल करना है। कैसे करना है, मेल कैसे टाइप करना है, मेल में क्या लिखना है, क्या आपका कवर लेटर रहने वाला है, सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, वीडियो आपको पूरी वॉच करनी है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट अपनी लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लेनी है। लिंक्डइन एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया फ्री एप्लीकेशन है। इस पर आपको अपनी एक जॉब प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है अच्छी सी। अगर आपको लिंक्डइन में प्रोफाइल क्रिएट करना नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, इसके ऊपर आपको एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सिंपल आपको ये वाली मेल आईडी कॉपी कर लेनी है। फिर आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम लिंक, जिसे मेरे आप टेलीग्राम पे पहुँचेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है, जो मेरी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो आपको टेलीग्राम पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 कवर लेटर मिलेंगे। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको एक कवर लेटर मिलेगा, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो उसके लिए आपको एक कवर लेटर मिलेगा। अब कवर लेटर का काम क्या रहता है दोस्तों, मेल के थ्रू आपको ये टाइप करना है। देख लीजिए, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपको ये वाला कवर लेटर कॉपी पेस्ट कर लेना है, यहाँ से आपको पूरा कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे क्या करना है, चेंजिंग आपको कुछ करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे आपका क्या है डिग्री, वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और आपने कब पास आउट किया वो आपको लिखना है, और कितना आपको एक्सपीरियंस है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये पूरा आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपल आपको अपनी मेल आईडी में जाना है, अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है। एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस के लिए अलग मैंने कवर लेटर यहाँ पे दे रखा है, अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के लिए ये वाला करना है, ठीक है। फिर आपको अपनी मेल आईडी में जाना है, और फिर यहाँ पे कंपोज पे जाना है। कंपोज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको आपकी मेल आईडी शो हो जाएगी जो आपने जिसे लॉगिन किया है, और यहाँ पे आपको वो मेल आईडी डालनी है जो मैंने आपको 3 बताई है, ठीक है। तीनों आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है प्रॉपर। तीनों डालने के बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डालना है। अब सब्जेक्ट आपको क्या डालना है, अगर आप जेई के लिए अप्लाई कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर के लिए तो आपको लिखना है अप्लाई फॉर जूनियर इंजीनियर। अगर आप एसएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं सीनियर सेक्शन मैनेजर के लिए तो आपको वहाँ पे लिख देना है अप्लाई फॉर एसएससी सीनियर सेक्शन मैनेजर, ठीक है। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सब्जेक्ट यहाँ पे दे देना है। फिर मैंने आपको जो कवर लेटर दिया था, जो मैंने आपको कवर लेटर बताया है, ये वाला आपको पूरा कॉपी कर लेना है यहाँ से। अगर आप फ्रेशर है तो ये वाला कॉपी करना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको वो वाला कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल इसे पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट कर दोगे तो पूरा कवर लेटर आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको अपना चेंज कर लेना सारी चीज, यहाँ पे आपको नेम की जगह अपना नेम डालना है, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर की जगह आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको अपना एक रिज्यूम क्रिएट करना है, रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम अगर आपको बनाना नहीं आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी रिज्यूम कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरे से चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर कि आपको रिज्यूम कैसे बनाना है, प्रोफेशनल रिज्यूम। रिज्यूम आपको प्रोफेशनल बनाना है बिल्कुल, जो आपको एक्सपीरियंस है वो प्रॉपर एक्सपीरियंस लिखना है उसमें। पूरा रिज्यूम प्रोफेशनल बनाने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे अटैच कर देना, यहाँ जो आपको दिख रहा है अटैच फाइल, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी गैलरी में जाके वो फाइल अटैच कर लेनी, वो रिज्यूम आपको अटैच कर लेना जो आपने बनाया था, ठीक है। पीडीएफ में बनाना है आपको, अपलोड करने के बाद यहाँ पे फिर आपको ये मेल सेंड कर देनी है। इतना काम करना है, जैसे आप मेल सेंड कर दोगे आपकी जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा, जिसे अगर आप सिलेक्ट होते तो आपके पास कॉल या मेल आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। आपको दो सारी चीज़ों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए जरूर जाना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।